देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद से लगातार कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते देखे जा रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत की चर्चा तेज हो गई है। इन सबके बीच एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर भी चर्चा बढ़ गई है। लॉकडाउन कोरोना फैलने से पहले देश के ज्यादातर लोगों ने शायद ही कभी शब्द के बारे में सुना हो, लेकिन दो साल के भीतर अंग्रेजी का ये शब्द हर शख्स की जुबान पर आता रहता है। पहली दूसरी के बाद अब कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। कोरोना केसेस बढ़ने लगे हैं, मौतें हो रही हैं, तो दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में चर्चा हो रही है कि क्या लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। दरअसल नाइट कर्फ्यू का असर कम हो रहा है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद भी जब संक्रमण की रफ्तार नहीं घटी तो वीकेंड कर्फ्यू का फैसला किया गया। तमिलनाडु सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। दिल्ली में भी काफी चर्चा हो रही है क्योंकि केस अब भी नहीं घटे हैं और पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों पर दबाव बढ़ने लगा। कोविड-19 और ओमिक्रॉन के रोकथाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक की। ये मीटिंग होने वाली है, यानी कल गुरुवार 13 जनवरी को मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने इस महामारी फैलने के बाद मुख्यमंत्री के साथ कई बैठकें की हैं। देश में दो बार लॉकडाउन भी लग चुका है। ऐसे में एक बार फिर बढ़ते केस को देखते हुए तालाबंदी लागू होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि लॉकडाउन लगने से देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ था। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।